Hello everyone, I hope you all are good and welcome back to my YouTube channel Jai Study Classes. In this video, we are going to do the exercises of chapter 10, that is degrees of comparison. So let's start it. First of all, in exercise G, we have to carefully look at the ages of these 6 children. Okay, and after that, from the given chart, we have to fill in the blanks with older than, the oldest, as old as, younger than, the youngest. Means आपको यहाँ पे एक्सरसाइज जी में चार्ट दी गई है जिसमें कुछ चिल्ड्रन है एंड उनके एजेस दी गई है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आपको इसकी हेल्प से क्या करना है जो गिवन यहाँ पे ब्लैंक्स है उसको फिल करना है एंड उसको आपको किस चीज़ से फिल करनी है ओल्डर देन द ओल्डेस्ट एज ओल्ड एज यंगर देन द यंगेस्ट ओके सो आपको कंपेयर करनी है एंड उसके बाद जो आपको सुटेबल लगे उसे फिलअप करना है नंबर वन राघव इज डैश बॉय इन द क्लास तो क्या है राघव आप देखेंगे इसमें दैट राघव इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास बिकॉज ही इज द ओल्डेस्ट बॉय ओके मीन्स ये सबसे बड़ा है जो भी गिवन चार्ट है उसमें सबसे ज्यादा एज किसकी है राघव की सो इट विल बी द ओल्डेस्ट इन वन नंबर नेक्स्ट इट विल बी एज ओल्ड एज बिकॉज गौरव एंड माधव इज ऑफ द सेम एज ओके जितनी एज गौरव की है उतनी माधव की है तो इसमें क्या हो जाएगी सेकेंड नंबर में एज ओल्ड एज बिकॉज वी नो दैट वेन वी हैव टू कंपेयर टू पर्सन अबाउट द सेम क्वालिटीज देन वी यूज एज डैश एज ओके क्योंकि आप जानते हैं जब हमें यूज करनी होती है दो लोगों की कंपेयरिंग करनी होती है जिसकी क्वालिटी सेम होती है तो फिर हम एज लगाते हैं एंड जो क्वालिटी है वो यहाँ पे लिखते हैं फिर एज लगाते हैं ओके नेक्स्ट इन थर्ड नंबर इट विल बी यंगर देन ओके बिकॉज किशन इज यंगर देन जावेद मीन्स जो किशन है उसकी एज जो है वो कम है जावेद की कंपेयरिंग में तो यंगर देन जावेद नेक्स्ट फोर्थ नंबर माधव इज ओल्डर देन किशन मीन्स जो माधव है उसकी एज क्या है किशन से ज़्यादा है जो आपको चार्ट दी गई है ओके तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्डर देन एंड इन फाइव नंबर The youngest boy in the class is Rahul because in the given chart Rahul is the youngest boy means जो भी चार्ट में आपको एज दी गई है सबसे कम किसकी है राहुल की इसका हो जाएगा फाइव में the youngest boy in the class is Rahul next exercise J fill in the blanks with the correct words so basically आपको क्या करनी है correct words जो है blanks में fill up करनी है and you have given the hints in the brackets आपको brackets में hint दी गई है much many एंड जो सेकेंड नंबर है उसमें क्या करना है अ लिटिल और अ फ्यू आपको ऑप्शन दी गई है उसको करना है सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी क्लियर दैट वेयर टू यूज मच मेनी अ लिटिल अ फ्यू ओके सो बेसिकली विथ अनकाउंटेबल्स वी यूज व्हाट वी यूज लिटिल एंड मच ओके लिटिल एंड मच जो है वो हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे एंड फ्यू एंड मैनी वी यूज विथ काउंटेबल्स सो बेसिकली आपको पता है आई होप आपको पता होगी कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल क्या है काउंटेबल मीन्स दैट वी कैन काउंट मीन्स जो भी चीज़ें हम काउंट कर सकेंगे काउंट एबल ये दो वर्ड से बनती है काउंट एबल मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं सो वी यूज Many and few with countables and little and much with uncountables. Okay, so sentence को आप carefully देखेंगे and where it's given uncountable we used little and much and where it's given countables we used few and many. Sentence number one. I have much work to do because work is uncountable. Okay, and आपको जो bracket में दी है that is much or many. सो इट विल बी मच ओके वन का हो जाएगा मच नेक्स्ट टू नंबर कैन यू स्पेयर अ लिटिल मनी सो हियर सम ऑफ द स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज दैट मनी इज काउंटेबल नो इट्स रॉन्ग इन एक्चुअल मनी इज अनकाउंटेबल ओके मनी जो है ना उसे हम काउंट नहीं करते हम क्वाइन को काउंट करते हैं जो होती है ना रुपीज उसे काउंट करते हैं मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल है तो क्या लगेगा मनी के साथ आपको ब्रैकेट में हिंट दी गई है अ लिटिल और अ फ्यू सो इट विल बी अ लिटिल नेक्स्ट थ्री नंबर इट विल बी मच
प्रोग्रेस फोन नंबर मोना हैज फ्यूअर फ्रेंड्स देन रितु ओके नेक्स्ट फाइव नंबर वी नीडेड अ फ्यू मोर पीपल टू कंप्लीट दी वर्क क्लियर नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स सो बेसिकली यू हैव टू गिवन द वर्ड्स इन द ब्रैकेट एज हियर heavy, sincere, smart, narrow. And from the given hints, you have to make this word in the correct degrees of comparison. Means, आपको क्या करनी है? यहाँ पे bracket में जैसे for example one को देखते हैं, heavy दी हुई है, okay? आपको जो blanks है वो fill करना है. But आपको पहले देखना है कि कौन सा जो degrees of comparison है that will be suitable. Means, positive degree, comparative degree or either superlative degree. Clear? So for example, my luggage is less than yours. So I have tell you, if there is than in your sentence, then it will be comparative degree. If these used in the sentence, then it will be superlative degree. Okay? And where there is no comparison, we use positive degree. Clear? Or if it's given as, less, as, here we also use positive degree clear so let's see in one it will be heavier in second number sincere okay because in question number second there is no comparison so we use it in the simple form or we can say that we can use sincere it in positive form that is sincere in third it will be smart because here we are comparing two persons but of the same quality and when we compare two person and telling about that they both are the same and have the same qualities then we use edge dash edge so here it given is smart so it will be edge smart as his master number 4 you can either write narrowest or most narrow dono chalenge aap ya to 4 mein jo narrow di hui hai एंड दी है आप यहाँ पे देखिए दिस इज दी ओके तो दी के साथ क्या सुपरलेटिव डिग्री तो या तो आप नैरोएस्ट लिख सकते हो या मोस्ट नैरो क्लियर नाउ फाइव नंबर इट विल बी बेटर सिक्स इंपॉर्टेंट ओके इन क्वेश्चन नंबर सेवन इट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एट नंबर मोर नाइन हॉटेस्ट टेन बैड इलेवन वर्स And in last question, it will be worst. Okay? So overall, these are the exercises that we have to do in this chapter. So that's all for today. Please like this video. And if you have any problem regarding this chapter, please comment down in comment section. Thanks for watching the video.